गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जाता है उसके अंदर एक कंडीशन ये रहती है कि जिस इनवॉइस का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है उसका पेमेंट आपको 180 डेज के अंदर कर देना है। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कंडीशन जो 180 डेज वाली पेमेंट की है वो फुलफिल नहीं करी है, जिसके लिए डिपार्टमेंट से नोटिसेस जो हैं वो भेजे जाते हैं आफ्टर स्क्रूटनी कि आपको अपना आईटीसी जो है वो रिवर्स करना होगा। तो क्या वो रिवर्सल जो ये नोटिसेस आ रहे हैं क्या ये वैलिड नोटिसेस हैं, क्या इसका आईटीसी रिवर्सल करना भी है या नहीं करना है, क्या है पोजिशन आज के डेट में जीएसटी के लॉ के अकॉर्डिंग। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 16 जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो आप क्लेम करेंगे उसके लिए क्या एलिजिबल होगी, कौन एलिजिबल होंगे और क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी। इसके अंदर जो एक प्रोविजो है वो प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि अगर किसी रिसिपिएंट ने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और उसके बाद वो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज या बोथ का जिसका इनवॉइस है उसको पेमेंट नहीं कर पाता है, देन द सप्लाइज ऑन विच टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, यानी कि अदर देन रिवर्स चार्ज बेसिस का जो इनवॉइसेज होगा, यानी कि रिवर्स चार्ज के लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर यह कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि वहां पर टैक्स आपने खुद कैश में जमा करना है और उसके बाद क्रेडिट लेना है। तो यहां पर नॉर्मल परचेजेस की बात जो है वो करी जाती है फॉरवर्ड चार्ज वाली। अगर रिसिपिएंट ने नहीं पेमेंट किया है कौन से अमाउंट को, द अमाउंट टुवर्ड द वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विथ टैक्स पेएबल देयर ऑन, यानी कि अब यहां पर एक सवाल और उठता है, लेट सपोज इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल वैल्यू है 1000 रुपए और 18% का जीएसटी जो है वो लगाया गया है, तो टोटल बिल वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा 1180 रुपए का। तो जब 1180 रुपए का इनवॉइस है जिसमें आपने 180 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो इस सिचुएशन में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाईज अलोंग विथ टैक्स जो है ना ये 1180 रुपए इसका पेमेंट करना। अगर आपने ये 1180 रुपए का पेमेंट नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना है और जब आप उसे पेमेंट कर देंगे आप उसे रिक्लेम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई अलोंग विद द टैक्स पेएबल देयर ऑन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, यानी कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो होगा उसके 180 दिन के अंदर आपको ये पेमेंट करना, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed, यानी कि वो amount of input tax credit जो आपने claim किया है ये 180 रुपए आपके output tax payable में add कर दिया जाएगा और इसका जो manner होगा वो मैनर प्रेस्क्राइब किया जाएगा रूल्स के अंदर, जिसमें रूल 37 के अंदर बातें बताई गई हैं। ये जो रिवर्सल करना है ये इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर रूल 37 होना चाहिए। अब देखते हैं रूल 37 इस रिवर्सल की बात कैसे करता है, किस तरीके से करता है, क्या GSTR 3B की रिटर्न की बात यहां पर हो रही है या नहीं। जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, ड्यू डेट्स वगैरह, उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिसमें आपको मंथली जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये रूल 37 सब रूल 1 कहता क्या है, ये कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन एनी इनवर्ड सप्लाई, अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है किसी भी इनवर्ड सप्लाई पे, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो चाहे वो दोनों को मिला करके एक क्यूमुलेटिव सप्लाई है, बट फेल्स टू पे टू द सप्लायर देयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई अलोंग विद द टैक्स पेएबल देयर ऑन, जो हमने एग्जांपल लिया है 1000 रुपए की वैल्यू है 180 रुपए का टैक्स है
टोटल मिलाकर के 1180 रुपए का पेमेंट आपको करना था, आपने नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेकेंड प्रोविजो टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, यानी कि विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसका मैनर क्या होगा। जो इनवॉइस का क्रेडिट आपने लिया, उसका पेमेंट आपने नहीं किया, तो उस सप्लाई की जो डिटेल्स है, उस सप्लाई की डिटेल्स को आप फर्निश करेंगे, द अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ द प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड। कहने का मतलब है कि जब आपने 1180 रुपए का बिल लिया है और इस 1180 रुपए में आपने लेट सपोज पेमेंट कितने का किया है, आपने पेमेंट कर दिया है मान लेते हैं 500 रुपए का, तो जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है वो आउटपुट टैक्स में ऐड जो किया जाएगा वो कितना होगा, वो होगा इन प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट विच इज नॉट पेड। तो 1180 रुपए में 500 रुपए का आपने पेमेंट कर दिया है, यानी कि कितना परसेंटेज आपने पे कर दिया है, लगभग 42% आपने पे कर दिया है, 58% आपने पे नहीं किया। तो ये जो टैक्स का अमाउंट है 180 रुपए का, इसका 58% आपको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहां पर शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ सच सप्लाई द अमाउंट ऑफ वैल्यू नॉट पेड एंड द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑफ प्रोपोर्शनेट टू सच अमाउंट नॉट पेड। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रोपोर्शनेट आपको करना है और उसके बाद उसे ऐड करना है GSTR 2 के अंदर फॉर द मंथ इमीडिएटली फॉलोइंग द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच इनवॉइस। तो यहां पर जो ये रिवर्सल की बात होती है, बेसिकली यहां पर रिवर्सल 3B के थ्रू नहीं करना है। ना तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सर्कुलर ना ही कोई ऐसा ऑर्डर इशू किया है कि 180 डेज के अंदर जो आपको पेमेंट करना है वो 3B के थ्रू होगा। यहां पर रिवर्सल जो होना है वो होना है इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 37, जिसमें जो आपके इनवॉइसेस हैं उसकी डिटेल्स को आप GSTR 2 में ऐड करेंगे और वो फिर आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड बैक हो जाएगा। तो जब तक ये ऑप्शन GSTR 2 के अंदर नहीं प्रोवाइड किया जाता, सेक्शन 16 का जो ये कंडीशन है इसको पॉसिबल ही नहीं है फॉलो करना। आप लोगों का क्या व्यू है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या इसके लिए कोई सर्कुलर या कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन कि आपको GSTR 3B के अंदर इसे फाइल करना है एज अ रिवर्सल, क्योंकि यहां पर कहीं भी रिवर्सल की बात नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है कि आपको वो जो रिवर्सल करना है वो इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड होगा, जिसके थ्रू आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में उस ITC को ऐड कर दिया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी नोटिसेस जो है इस पॉइंट पे आ भी रहे हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट GST रिलेटेड अगर आपकी क्वेरीज है, आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसके लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन या फिर पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं और अपनी GST रिलेटेड क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।